मानसून तबाही बनकर टूटा है। जल का प्रहार ऐसा कि शहर डूबे, डूब गए घर बार, तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है। बहने वाली मूथा नदी का सैलाब सितम ढा रहा है, पूरे शहर में त्राही त्राही मची। पुणे में बारिश के बाद बाढ़ के हालात को समझाना हो तो इस ड्रोन तस्वीर को देखिए। 114 मिलीमीटर से भी ज्यादा हुई बेहिसाब बारिश का पानी कहर बरपा रहा है, उसने हर किसी को अपने जद में ले लिया है। तस्वीर एक मेट्रो स्टेशन की है जहां पानी ने घुसपैठ कर ली है। तबाही का आलम यह कि मेट्रो के नीचे की सड़क दरिया बनी नजर आ रही है। इसके रास्ते में जो आया वो बह गया, क्या बाइक क्या कार। नदी के किनारे स्थित मंदिर भी लगभग डूब चुका है। डैम को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पूरा पुणे पानी पानी हो गया। रिहायशी इलाके में एक मंजिला घर डूब गए, कार डूबी, बाइक डूबी और डूबे नजर आए दुकान। हाल ऐसा कि सड़कें गलियां सब कुछ पानी में डूबे हैं, उसी से होकर लोग जाने को मजबूर हैं। कमर के ऊपर पानी होने पर सड़क पर नाव चलानी पड़ी। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और लोगों का रेस्क्यू किया। पुणे में आए सैलाब का कारण खराब सीवर सिस्टम है जिसकी सफाई करते कर्मी नजर आए। हालात बिगड़ता देख डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कंट्रोल रूम में स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से बात कर सीएम शिंदे को रिपोर्ट किया तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी। पुणे में बहुत ज्यादा परिस्थिति है, अपूर परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है, वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर सबको सूचना दी है, एनडीआरएफ को दिया है, एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। पुणे में भारी बारिश को देखते हुए जहाँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, प्रशासन हो या फिर सरकार, हर स्तर पर लोगों को बचाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी है और सत्य प्रकाश का रुख कर लेते हैं जो लगातार हम तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पुणे में इस वक्त क्या हालात है। सत्य प्रकाश, आप इस वक्त जिस घर में मौजूद हैं वहां पर देखिए पानी पूरी तरीके से भर चुका है, जरा दिखाइए तस्वीरों में क्या हालात बने हुए हैं। जी हाँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग परेशान हैं और किस तरह से लोगों घरों में पानी भरा हुआ है। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से अभी भी लोगों घरों में पानी भरा हुआ है और लोगों को डर सता रहा है क्योंकि जो बताया गया है कि डैम का पानी फिर से छोड़ा जाएगा थोड़ी देर बाद। जो बताया गया कि 10 बजे तकरीबन लोगों जो डैम का पानी है फिर से नदी में छोड़ा जाएगा और उस समय अगर बारिश जोरदार होती है तो कहीं कहीं फिर से लगभग 7 से 8 फुट पानी लोगों घरों में इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए कितना नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों में हैं और कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट कराए गए हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि डैम का पानी छोड़ा जाएगा, आप सुरक्षित स्थानों पर जाइए। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीरें हैं पुणे के कारवे रोड पर है और लोग एक नहीं कई घर ऐसे हैं आसपास जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग कहना कि हमें जो डैम का पानी जब छोड़ा गया तो बताया नहीं गया। और नुकसान देखिए कि पूरा कितना पानी था, कल कितना पानी था, कबड़ भर पर पानी होता पूरा सगला का वाहन गेला। आप थी मौजूद, कितना पानी था पूरा ईद पर्यंत ईद का साफ हाँ मंदिर का। किस तरह आप लोगों को निकाला, अपने परिवार को किस तरह निकाला लोगों को? देखिए ये लोग कहना है कि किसी तरह से यहाँ से निकाला गया, लेकिन पानी का हाल देखिए कि अभी भी लोगों घरों में पानी इकट्ठा हुआ है। एक नहीं आसपास जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी इसी तरह से बना हुआ है। लोगों को डर सता रहा है कि डैम का पानी छोड़ा जाएगा तो पानी और इकट्ठा होगा। प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, इंडियन आर्मी के जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम है, पुणे पुलिस है, इसके अलावा पुणे महानगर पालिका की टीम है। लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, लोग सड़क पर हैं और लोगों को लगातार आह्वान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप घरों में ना रहिए क्योंकि डैम का पानी छोड़ा जाएगा और डैम का जब पानी छोड़ा जाएगा तो पूरा फिर से पानी इसी तरह से हाल होगा जो कल दृश्य देखने को मिला। लगभग 8 से 10 फीट लोगों घरों में पानी घुसने वाला है। तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, जो सीनियर सिटीजन है उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हालात जो निचले इलाके हैं पुणे काफ़ी ख़राब है और लोग सबसे बड़ा ये दिक्कत हो रहा है कि जाए तो जाए कहाँ फिलहाल, क्योंकि डैम का पानी लगातार जो बताया जा रहा है कि छोड़ा जाएगा, इसको लेकर कहीं कहीं डरे हुए हैं। जी तो देखिए सत्य प्रकाश लगातार हम तक तस्वीर पहुंचा रहे थे।
कि लगातार जो है वहां पर किस तरीके से लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश देखिए, लोगों से भी बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर, क्योंकि घरों में पानी जो है वो पूरी तरीके से पहुंच चुका है, आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए पुणे में हाल बेहाल नजर आ रहा है, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये तस्वीर देखिए सामने आ चुकी है, किस तरीके से पुणे की तस्वीर है, नदी नाले इस वक्त इस कदर उफान है, और यही जो पानी है वो शहरों की तरफ जो है रुक कर रहा है, और यही वजह है कि घरों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें जो है डराने के लिए काफी है, ये बताती है कि अभी जो पुणे में स्थिति है, जो हालात है, वो अभी सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि, और देखिए अब ये पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो टीम है एनडीआरएफ की वो लगातार कोशिश यही कर रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ये बुजुर्ग है, उन्हें किस तरीके से देखिए निकाला गया है, इंडियन आर्मी की जो सेना है वो भी तैनात है, और कोशिश यही हो रही है कि वहां पर लोग जो बेबस इस वक्त नजर आ रहे हैं, आप देखिए ये एनडीआरएफ की टीम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो क्योंकि घरों में इस वक्त जो है पुणे में वो पानी इस कदर घुस चुका है कि लोगों को भारी नुकसान तो हो गया है, लेकिन जो जिंदगी अंदर फंसी हुई है उसे निकालने की भी हर संभव कोशिश हो रही है। और जो टीम है देखिए, ये टीम की तस्वीर दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम जो है वो फिलहाल कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उसका मलबा हटाया जाए, क्योंकि कई सड़कें जो है पूरी तरीके से लैंडस्लाइड होने की वजह से अवरुद्ध हो चुके हैं। तो पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुणे की तस्वीर है, और एनडीआरएफ की जो टीम है वो मलबा हटाने का काम लगातार वहां पर कर रही है। तो लवासा में लैंडस्लाइड हुआ है, पुणे के लवासा में लैंडस्लाइड, और स्थिति वहां पर लगातार दिनों दिन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए नदियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो नदी नाले उफान पर हैं। अभी देखिए आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया है कि अभी बारिश और बाढ़ से जो स्थिति है वो ऐसे ही नजर आने वाली है। देखिए डैम की, ये पुणे के डैम की तस्वीर है, जिसे बताया जा रहा है कि इसे खोल दिया जाएगा, इसके बाद वहां पर क्या हालात, क्या मंजर देखने को मिलेगा, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बाढ़ से वहां पर जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बेहाल और परेशान नजर आ रही। तो जल प्रलय की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुणे की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो डराती है, परेशान करती है। लेकिन सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम इस तरीके से परेशानी से जूझते रहेंगे, क्योंकि बार बार जो है चेतावनी दी जा रही है और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा देखिए ये तस्वीर सामने आई है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, नदी की तस्वीर है, जहां पर किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, देखिए गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ताश के पत्तों की तरह पानी में इस कदर बह गए हैं जैसे मानो कि वहां पर कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो है वो वहां पर इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें भारी नुकसान हुआ। अभी सड़कों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आसपास किस तरीके से जो सड़क है वो इस वक्त जो है नदियों में तब्दील हो चुका है, तालाब बन चुके हैं, और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि दिनों दिन जो जल प्रलय, जो आसमानी आफत पुणे में देखने को मिल रहे हैं, उससे लोग जो है काफी डरे हुए और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर स्थिति कब तक पुणे में सुधरती है। लगातार आप तक तस्वीर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।